नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जेस्ट मनी कंपनी के बारे में। दोस्तों आप लोग को बता दूं, आप जेस्ट मनी कंपनी जो है सभी कस्टमर को जीरो प्रोसेसिंग फीस पे लोन एमआई रशिंग का जो ऑप्शन था उसे दे रही है। आप बड़े आसानी से अपने एमआई को स्मॉल और छोटा कर सकते हो। अगर आपका एमआई अगर जो है मंथली 2000 बनता है तो आप उसे 1300-1400 रुपए कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको अप्लाई करते टाइम 1 रुपए फीस नहीं पे करना पड़ेगा, ऐसा इनका दावा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कंपनियां आपको लोन रिसीविंग का जो ऑप्शन दे रही है, इसका एक गुप्त बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, पहले आप वो नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, इनका जो किस्त है करीबन 1570 रुपीज का था मंथली, और 10 मंथ के लिए अमाउंट था। अब जो है इस अमाउंट को 5 मंथ बढ़ रहा है और इसका जो न्यू किस्त बनेगा 1245 रुपए का। अगर मैं यहाँ पे पेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 15254 रुपीज का अमाउंट है। और अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा स्मॉल में, अगर इसको मैं लूंगा 15 मंथ के लिए, तो यहाँ पे 3435 रुपए मुझे लग रहे हैं 1.5% पर मंथ। समझ जाओ कि ये मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है अगर मैं इसको लेता हूँ। दोस्तों आप बताओ कि अगर मान लो जो आदमी के पास पहले से कर्ज है वो कहाँ से ले पाएगा। बट यहाँ पे दोस्तों सवाल ये है कि इनका दावा ये है कि अगर मान लो आपका 15254 रुपीज का अगर आपका पूरा अमाउंट है, अगर आप जो है किस्त पेड करते हो तो आपको 3000 कुछ रुपए आपको जोड़ के 18689 रुपीज आपको 15 मंथ में पेड करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी क्या है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो शुरू में आपसे प्रोसेसिंग फीस ले रही हैं, बट कुछ कंपनियां अगर जान गई कस्टमर के पास अगर प्रोसेसिंग फीस भी पेड करने के लिए नहीं है तो वो कस्टमर आपको जो है बोल रही है कि आप जो है टेंशन ना लो, आप अप्लाई कर दो, आपको कोई पैसा प्रोसेसिंग फीस पेड नहीं करना पड़ेगा। बट यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो है 15000 कुछ रुपए के पीछे 3500 के समथिंग लग रहा है पूरा इंटरेस्ट, तो क्या ये ज्यादा है या कम है, आप मुझे कमेंट में बताना। बट दोस्तों यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट में सवाल चल रहा है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट माफ होना चाहिए, और अगर आप लोग जो है अपने अमाउंट को अगर स्मॉल करते हो, छोटा करते हो, डेट बढ़वाते हो, तो आपको और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप कंपनी का पैसा पैड करो। वैसे आप जो है लोन रिसीविंग का जो ऑप्शन इसे मत लेना। अगर आपके पास पैसे हैं तो पैड करो, पैसे की बहुत दिक्कत है तभी लेना, नहीं तो आप और कर्ज में डूबोगे। तो एक बात ये सत्य है कि जो लोग भी अपने एमआई का डेट बढ़वा रहे हैं उनके ऊपर और कर्ज बढ़ सकता है। अगर ये बिना किसी इंटरेस्ट का अगर बढ़ जाए तो अच्छा है, बाकी दोस्तों और कोई तो ऑप्शन नहीं है। बाकी मैं आपको एक बात और शेयर कर दूं, इस समय आप लोन कम लेना, क्योंकि अभी आपके पहले से अगर कर्ज है तो लोन कम, क्योंकि आपका दिक्कत है तो आप पहले कमाइए, अपने कर्ज को पूरा कीजिए, फिर लोन लीजिएगा। और कोशिश के आप जो है लोन कम लीजिएगा क्योंकि इससे आपकी लाइफ हैप्पी रहेगी। तो ये है जेस्ट मनी की कहानी। अगर आपका इतना अमाउंट है, अगर आप कन्वर्ट करते हो तो इतना आपको फीस पेड करना पड़ेगा। तो क्या सच्चाई है, मैंने आपको शेयर किया बताया, क्या आप इनसे अप्लाई करोगे नहीं करोगे ये आपके पर डिपेंड करता है। बाकी जेस्ट मनी एक काम अच्छा किया है कि लोगों को जीरो इंटरेस्ट पे, जीरो प्रोसेसिंग फीस पे एक कर रहे, बाकी इंटरेस्ट तो इनका जारी है। तो क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कमेंट में बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।